हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपफ्रंट। कैसे हैं? सबसे पहले अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियंस वेयर एवर दे आर। सबको भारत में, भारत से बाहर रहने वाले जितने भी भारतवासी हैं, सबको आज 15 अगस्त अपनी आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। और मैं सल्यूट करता हूँ अपने जवानों को जो हमारी रक्षा कर रहे हैं इस वक्त बॉर्डर पर, और 365 दिन वो बॉर्डर पर टिके रहते हैं ताकि आप अपने अपने घरों में आराम से सो सकें। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, होप यू हैव ए वंडरफुल डे। और आज अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने बहुत अच्छा स्पीच दी वहाँ पे लाल किले से। तो मोदी साहब ने बहुत चीज़ें बताई अपनी स्पीच में, उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने सबने देखा होगा। एनीवे, आज हम बढ़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत की अपने नए समाचार की तरफ कि क्या क्या उसमें प्रोग्रेस हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो बाबा रामदेव का भी मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के दिन सुशांत सिंह और उनकी फैमिली के लिए एक रूह शांति के लिए पतंजलि में एक हवन किया है। तो बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके जो शब्द उन्होंने बोले सुशांत सिंह के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका भी। और जिस तरह से दोस्तों मैं और आप सब इस समाचार से बंधे हुए हैं और रोज़ प्रोग्रेस देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब सीबीआई अपनी इंक्वायरी शुरू करे, जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया सेंटर से कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन आगे अभी कुछ मामला बढ़ा नहीं। लेकिन सुनने में आया कि कल सीबीआई ने कम से कम 4-5 घंटे डिस्कशन की उनसे, सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के साथ, उनके पिता के साथ, उनकी बहनों के साथ, और पूरी एक डिटेल ले रहे हैं और एक फाइल बना रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके। वी ऑल प्रे कि भाई ये सीबीआई की इंक्वायरी जल्द से जल्द शुरू हो ताकि जो भी कल्प्रिट हैं वो सामने आए और पता लगे कि ये कैसे और क्यों मर्डर, अगर मर्डर है तो क्यों हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर जो श्वेता सिंह कीर्ति हैं दोस्तों, उन्होंने भी कल टीवी पे आके अपील की कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार जो है एक शांति से नहीं रह सकेगा पूरी ज़िंदगी। जस्टिस फॉर सुशांत इज मस्ट दोस्तों। और कंगना शेरनी ने भी कल आया, फिर उसने बोला कि वी वांट सीबीआई इंक्वायरी। और खुशी की बात मुझे अब लग रही है कि बॉलीवुड में से कुछ लोग आगे आ रहे हैं। बताइए इतनी देर कहाँ सो रहे थे, समझ में नहीं आया मेरे को। वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, ये भी लोग आगे आए हैं और बोल रहे हैं कि सीबीआई होनी चाहिए सुशांत के इस केस में। और बाकी तो अभी बॉलीवुड वाले मेरे ख्याल से अभी भी सो रहे हैं। जो बड़े दिग्गज और स्टार हैं उनको आना चाहिए और बोलना चाहिए दैट वी वांट सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। वन पर्सन इज टू बी अप्रिशिएबल इज अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी इज डूइंग व्हाट नोबडी एल्स कैन डू इट। अपने रिपब्लिक टीवी पे उन्होंने आज 4 हफ्तों से जो मुहिम चलाई है, वी ऑल सैल्यूट टू हिम, वी ऑल थैंकफुल टू हिम। कि अगर मेरे ख्याल से रिपब्लिक भारत पर ये खुलासा ना हो और ये कंटिन्यूसली एक डिबेट नहीं चले तो शायद ये मामला दब जाता कहीं ना कहीं। और जैसे कल मैंने रिपब्लिक टीवी पर ही अर्नब के शो में देखा और मुझे बहुत इमोशनल हो गया मैं, जब दो सुशांत के करीबी काम करने वाले गणेश और अंकित आचार्य आए रिपब्लिक पे और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि कम से कम 5-6 लोग सुशांत के घर आए थे और ये हम मान ही नहीं सकते कि वो एक सुसाइड कर सकते हैं, ये डेफिनेटली मर्डर है। और अर्नब ने बार बार पूछा गणेश को भी आप ये सीबीआई के सामने बोलेंगे जो आप यहाँ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा यस। और अंकित तो बेचारे रोने भी लगे और उन्होंने बोला हम तो अपनी जान भी दे देंगे सुशांत भैया के लिए। तो बहुत इमोशनल था वो, जैसे वो बोल रहे थे वो एक दिल से बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने सुशांत के साथ काम किया और वो बोल रहे थे कि हमें अपने छोटे भाई जैसा वो ट्रीट करते थे। बहुत नेक इंसान थे सुशांत, सबको मालूम है। लेकिन ये जो दो लोग सामने आए हैं, और सबसे बड़े जो कल्प्रिट मेरे को लगता है वो संदीप सिंह, जो अभी इन्होंने भी बताया गणेश और अंकित ने भी कि ये जब अपना उनकी मैनेजर की दिशा सलियान की जो सुसाइड कहते हैं लेकिन वो भी मर्डर है हुआ, तो उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी सुशांत को मिली और सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे दोस्तों, जिस उन्होंने अपने करीबी दोस्त संदीप सिंह को बता दिया ये, और संदीप सिंह ने आगे पता नहीं किसको ये खबर दी और ये सब मामला हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से ये
ये भी पूछा अर्नब ने कि इसमें बॉलीवुड के कुछ इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिशियंस, उन्होंने साफ साफ बोला और मेरे को लगता है सीबीआई की जब जांच होगी तो ये दोनों भी ज़रूर आएंगे दोस्तों। और श्रुति मोदी से भी बात हुई, अखिलेश से भी बात हुई कि जब से रिया सुशांत की लाइफ में आई तो जितने भी मेजर डिसीजन थे उसने लेने शुरू कर दिए, चाहे वो स्टाफ हो पूरा रिप्लेस कर दिया, चाहे वो फाइनेंशियल जितने भी अपने कमिटमेंट थे या डिस्कशन थी वो सब वहीं करती थी, ये श्रुति मोदी का भी कहना है। और देखिए दोस्तों, अब मेरे ख्याल से जो क्राइम सीन पर ये भी सुनने में आया कि दो एम्बुलेंस आई थी, क्यों आई थी, आज इंडिया टुडे ने भी एक खुलासा किया कि वहाँ एक नहीं दो लगता है मर्डर शायद हुए हों। उनका एक जो बहुत करीबी नौकर था, उसका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, सैमुअल मिरांडा, वो मिसिंग है। दूसरा सैमुअल हॉकिप तो सामने आया ईडी के भी, लेकिन सैमुअल मिरांडा कहाँ है? ये इंडिया टुडे ने जब खुलासा किया तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि वहाँ पे दो एम्बुलेंस क्यों आई, अगर एक ही, अगर सुसाइड कहना है उनका तो दो क्यों? इसका मतलब इसमें भी कोई गड़बड़ है और सैमुअल मिरांडा अभी तक मिल नहीं दे रहे दोस्तों। तो पुलिस ने भी तफ्तीश नहीं की क्योंकि शायद मामला वो भी इसको दबाना चाहते थे। सिद्धार्थ पठानी जो हैं, और ये भी सुनने में आया दोस्तों कि रिया के साथ फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप पे हमेशा बने हुए थे, उनकी जो फोन कॉल्स जो कॉल शीट है रिया की उसमें साफ साफ ये देखा गया है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया की बातचीत होती थी। अब क्या एक दूसरे को समाचार देते रहे ये, क्या इधर से उधर की समाचार जाते थे और आगे उसकी क्या प्रोग्रेस होती थी इस मामले में, ये सब सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होगा। और अभी तक तो दाल काली नहीं पूरी ही काली है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बचाने की कोशिश हो रही है दोस्तों, मेरे को यही लगता है। और शायद मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में, आप प्लीज़ इस पर लगे रहिए, सुशांत सिंह के जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर सकें आप कीजिए, रिपब्लिक भारत को भी, क्योंकि वही इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। और मेरे को उम्मीद है ईश्करण भंडारी या अपने सुब्रमण्यम स्वामी, ये बड़े बड़े जो लोग अभी दिग्गज साथ में लगे हैं इस केस के साथ, कहीं ना कहीं इसको ज़रूर अंजाम तक पहुंचाएंगे और मेरे ख्याल से सुशांत सिंह और उनकी फैमिली को ये न्याय ज़रूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए दोस्तों, वरना एक पेरेंट्स या उनका जो पिता है और या उनकी सिस्टर्स हैं वो पूरी ज़िंदगी एक चैन से नहीं गुजार सकेंगी। और बस यही दुआ करता हूँ कि देखते जाइए सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो ताकि हमें भी पता लगे और आपको भी पता लगे कि इसमें कौन कौन शामिल थे, क्या हुआ। और ये कम से कम, क्योंकि ये भी कहना है उनका, अंकित का, कि जो सुशांत भैया थे बहुत स्ट्रांग थे, जिम करते थे रोज़ सुबह उठ के 4 बजे, शिव जी का पाठ करते थे और 2-3 को तो वो संभाल ही लेते जैसे वो उनकी फिजिक थी, लेकिन ज़रूर 5-6-7 लोग होंगे जिन्होंने उन पर अटैक किया और ये उनका जो भी शायद उनको मारा गया दोस्तों। बस हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा, आप भी बने रहिए, आप प्लीज़ मेरा अपफ्रंट जो चैनल है यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अभी भी कोरोना वायरस से प्रिकॉशन लेते रहिए दोस्तों, और अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, आज़ादी की 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सब हिंदुस्तानियों को जहाँ जहाँ पर भी हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।